साइंस प्रोजेक्ट में एक सोलर कुकर बनाया है जिसमें हम सोलर रेडिएशन को हीट एनर्जी में चेंज करके कुकिंग करते हैं। मेरे दोस्त फैज बहू आपको कुकिंग मेथड एग्जांपल के जरिए बताएंगे। शुक्रिया। मैं अंडे की मदद से आपको सोलर कुकर का कुकिंग मेथड बताता हूँ। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि सूरज से आने वाली रोशनी इससे टकरा कर एक पॉइंट पर फोकस हो रही है जहाँ पर हमने फ्राई पैन रखा हुआ है जो सोलर रेडिएशन से हीट अप हो रहा है। चंद ही मिनटों में हम देखेंगे कि ये अंडा खाने के लिए तैयार हो जाएगा। जब तक ये अंडा तैयार होता है तब तक मेरे साथी फिजान अली आपको इसके कुछ फायदे बताते हैं। सोलर कुकर के वैसे तो बहुत से फ़ायदे हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। आमतौर पर घरों में खाना पकाने के लिए हम ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, मसलन गैस, बिजली, लकड़ी, कोयला, जो दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं और इनसे आलूदगी भी बहुत ज़्यादा पैदा होती है। इसलिए हमने साइंस प्रोजेक्ट में एक ऐसा प्रोजेक्ट किया है जिससे हम सूरज की रोशनी की मदद से खाना बना सकते हैं और ये एक ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसकी बनावट का तरीका मेरे दोस्त हमारे सफदर आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सोलर कुकर बनाने के लिए हमने एक पुरानी डिश ली है, उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम फाइल लगाई है जो सूरज की शाओं को रिफ्लेक्ट कर रही है, और बर्तन रखने के लिए एक स्टैंड बनाया है जिसको हमने एक कॉपर पैंट पर रखा हुआ है। सोलर कुकर को हमने बहुत कम कीमत में और आसानी से बनाया है। अब आप देख सकते हैं कि यह अंडा पकने के लिए तैयार और खाने के लिए पक चुका है, बल्कि खाने के लिए तैयार है। इसके अलावा इसके ऊपर हम अंडे के अलावा और भी चीज़ें पका सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यह अंडा पक चुका है, अब हम इसको खा सकते हैं। इसके अलावा हम इसके ऊपर अंडे के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें पका सकते हैं। और इसका एक और फायदा इसका यह है कि इसके जितनी सूरज की रोशनी तेज़ होगी ये उतना जल्दी चीज़ों को पकाती है, और जितनी सूरज की रोशनी स्लो होगी ये उतना स्लो चीज़ों को पकाती है। अस्सलाम।
Gracias.